नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। पंचकुला के कर्मचारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में गरजे कर्मचारी। सर्व कर्मचारी संघ में रोष प्रदर्शन कर मनाया दमनकारी दिवस। कर्मचारियों ने टाउन पार्क में एकत्र होकर के किया रोष प्रदर्शन। 18 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर चलाया जाएगा जेल भरो आंदोलन। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। आप देख रहे हैं शीर्ष से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार के दमनकारी नीति के विरोध में आज दमनकारी दिवस मना करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारी टाउन पार्क में एकत्र होकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ पंचकुला विधानसभा घेराव के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने की बजाय उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन चलाए गए। इसके विरोध में आज विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव मोहन सिंह राधावा ने कहा कि सरकार चुनाव से पहले जो कर्मचारियों को वादा किया था वो पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे, जबकि हरियाणा सरकार ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार कर आंदोलन को कुचलने की नाकाम कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की आवाज़ को दबाना चाहती है, जिसे कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 18 सितंबर को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो पूरे प्रदेश में और आंदोलन तेज होगा। आप देख रहे हैं पल पल की यह खास रिपोर्ट। प्रिय डिंगे से शांतिपूर्ण तरीके से 10 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले, जिसका नोटिस हमने 2-3 महीने पहले दे रखा था सरकार को कि विधानसभा पर हम जाएंगे कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाने के लिए, कोर्ट के प्रभाव से फैसले कर्मचारियों के लिए एक्ट बनवाने के लिए, पंजाब के समान वेतनमान का मुद्दा था, नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए हम गए थे वहां। लेकिन सरकार को पूरे 4 घंटे तक हमने समय दिया। सरकार बातचीत करने की बजाय कर्मचारी आंदोलन को लाठी गोली से दबाना चाहती है। हमारे नेता अभी भाषण दे रहे थे, कोई उन्होंने कोई अपील नहीं की थी कुछ करने की। उससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने बुछारे छोड़ी, अशुरू गए छोटे लाठीचार्ज किया, 50,000 साथी घायल हुए। इसके लिए हमें इस बात की निंदा के लिए आज पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया जा रहा है, दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं। और 18 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले हम पूरे जोश के साथ जेल भरेंगे। कर्मचारियों के लिए सरकार जेलों का प्रबंध करे। इसके लिए आगे 2 तारीख को जो गांधी जयंती के ऊपर हम पूरा 1 दिन का उपवास रखेंगे और नवंबर के महीने में पूरे हरियाणा को, अगर सरकार ने फिर भी अपनी नीति को वापस नहीं लिया दमनकारी नीति को, तो हम हरियाणा को जाम करेंगे। तो कर्मचारी के जो मुद्दे हैं, जो उन्हें वादे किए थे, उसको लागू करें, अन्यथा सर्व कर्मचारी संघ का आंदोलन और ज्यादा तेज गति से बढ़ेगा। यही हम कहना चाहते हैं।